वो आदमी मुझे पकड़ना चाहता है। कौन पकड़ना चाहता है बेटी? पता नहीं कौन है, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लीजिए प्लीज। मार देंगे? अरे अरे मैम, अरे कहाँ घुसना चाहता है? इस तरफ कोई लड़का भाग कर आया तो नहीं है? लड़का? नहीं नहीं, लड़का कोई नहीं। अरे गंजी मेरी फट जाएगी। अरे 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 बाप रे, छोड़ जाए मेरे कुछ। अरे मारता मैं पर। अरे अरे मैं सो जा। ए लड़के, टिकट है क्या? हाँ हाँ, टिकट ब्लैक में। एक का दो चलेगा? दो दे लो। राशन और ये रही तुम्हारी दवाइयाँ। आज साहबा, अब तो मुझे शर्म आने लगी। कितने बरसों से हर महीने तू ये राशन लाता है। मम्मी, अगर हिंदुस्तान भर का राशन भी ला के तुम्हारे घर में भर दूँ ना, तो भी तुम्हारे एहसानों को बदला तो नहीं चुका सकता। सिगरेट सुलगाने झगड़ा करने आया है? और नहीं तो क्या गले मिलने आया हूँ? अबे जिस थाली में खाते हो उसी में थूकते हो, कुछ तो शर्म कर। दो टके के मुंशी के साथ कुत्ते की तरह दुम हिलाते फिर रहे हो। अच्छा तो कुत्ते, ये राणा बाहर जाकर कर, इधर अपन को लफड़ा नहीं मांगता, समझ ला इसका? चिंता न को माला, मैंने ऐसे 20 लफाड़िए सीधे किए हैं। अरे ओ मेलिया, मेरे अड्डे का तो 162 कर दिया, अब किसका 162 करना है जो ये दंड पेल रहा है? निकाल मेरे 600 फटाफट। 600 किस बात का? किस बात के? अब बेहोश महाभारत के, जिसने माला के अड्डे का नक्शा ही बदल दिया है। टेबल कुर्सी तो दूर, ऊपर टंगी बेचारी घड़ी की पसलियां तक टूट गई है। उस साले दगड़ू की वजह से बहुत नुकसान हो गया मेरी माला का। ए माला, तेरा शीशे का सामान मैंने तोड़ा मेरी जान, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? तेरे रहने के लिए मैं शीश महल बनवाऊंगा। शीश महल क्या करना है, मेरा रोकड़ा। तुम अपने शोहर का नाम नहीं बताते बहन, तेरे को ये राखी का वास्ता है? नहीं खान भैया, हिंदुस्तानी औरत कभी अपने पति का नाम नहीं लेती। चंद, अरे हाँ, सुंदर कहाँ गया? गाजर का लुआ बना, न जाने कहाँ चला गया। हमें राइडिंग करनी। साई, कौन मैं? आप? हम किरण साहब हैं और ये यहाँ के मालिक की बेटी पिंकी मैम साहब। अच्छा अच्छा, आप दोनों भाई बहन हैं? सारा, हम फ्रेंड्स हैं, सुना नहीं? इन्हें राइडिंग करनी। अजी नाराज क्यों होते हो? कहो तो मैंने अपने कंधे पे बिठाकर मैदान का राउंड दिला दूं। आइए ना मैडम, बैठिए। चुप इट। क्या ये भी समझाना पड़ेगा कि हमें हॉर्स राइडिंग करनी है? ओहो, तो आप घोड़ सवारी करेंगी, लेकिन मैडम ये हिंदुस्तानी घोड़ा है, ये हम जैसे हल्के फुल्कों का वजन उठाने के लिए नहीं है। इजेट, हाँ
घोड़े पर राइडिंग करेंगे। लेकिन मैडम ये बहुत अड़ियल घोड़ा है, आपके बस की बात नहीं है। अच्छा तो लिखा है चिल्लाओ बचाओ बचाओ। ठीक है तो आपको बचा लेते हैं। हिंदुस्तानी घोड़ा बहुत अच्छा है, दोनों हल्के फुल्कों का वजन ले लिया। शाबाश मेरे बच्चे शाबाश। आपको चोट तो नहीं आई? आई भी है और नहीं भी। जी मैंने कहा था ना मैडम, आपकी वो दो किताबें इस घोड़े ने नहीं पढ़ी, लेकिन आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। जी ये लीजिए बख्शीश। शुक्रिया। ये तो लेना ही पड़ेगा वरना दिल टूट जाएगा। हम आपका दिल नहीं टूटने देंगे। कहा था ओ बेटा कभी दिल पे सिखाना तोड़ो, माने कहा था ओ बेटा कभी दिल पे सिखाना तोड़ो, दीपक बाती बनकर डैडी। मीट माय फ्रेंड, ये सुंदर है, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। हाउ डू यू डू? वेरी वेल सर, आप तो मेरे मालिक समान हुए। वो कैसे? गुल खान जो आपके स्टड फार्म के इंचार्ज है ना, मेरे मामा समान है, उन्हीं ने मुझे पाला है। एंजॉय योरसेल्फ। इनके जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी, मीट माय फ्रेंड शीला। डैडी कैन आई हैव अ सिगरेट? थैंक यू वेरी मच। हैव वन? जी नहीं। है? तुम सिगरेट नहीं पीते? औरों के सामने नहीं पीता। What? आजकल के जमाने में? शायद मैं भी दूसरों की तरह इन बातों में नहीं। क्या काम करते हो? वैसे हाल ही में मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की है और काम की तलाश में हूँ। वैसे ये भी काफी मुश्किल काम है। क्या काम कर सकते हो? कोई भी काम जिसमें मेहनत और ईमानदारी की जरूरत हो, लेकिन सरकार आजकल ऐसी नौकरियां निकलती कहाँ है। ये मेरा कार्ड है, अगर तुम चाहो तो बंबई आ सकते हो। हमारी कंपनी में मेहनती और ईमानदार नौजवान। सुनो इधर आओ। तुम इधर आओ। बड़ा बदतमीज आदमी है। चलो ड्राइवर वापस चलो। प्लीज मैंने पिक्चर आज ही देखनी है। बालकनी के टिकट हैं? 5 का 10 लगेगा। बालकनी का टिकट 10 रुपए में? नहीं तो क्या 10 रुपए में स्वर्ग की टिकट चाहिए? बड़े बदतमीज हो। आप ही की मेहरबानी है। लाओ दो टिकट लाओ, छोटे आदमियों के मुंह नहीं लगा करते। डियर छोटा हूँ इसीलिए चुप हूँ भाई साहब, वरना बहुत बदतमीज। शो शुरू हो जाए। ओ भाई साहब आपका बटुआ। मेरा बटुआ? जरा देख लीजिए नोट पूरे हैं ना। ठीक है, ये कैसे गिरा मुझे पता नहीं चला। ये तो बटुआ है भाई साहब, आप खुद कब कहां और कितने गिर गए आपको पता नहीं चला। दो घंटे से हम टैक्सी किसकी उठा के लाई मैम? किसकी टैक्सी? क्या मतलब मम्मी, मेरी टैक्सी है, मैंने रोकड़ा देकर खरीदी है। हाँ और सुनो, इंस्टॉलमेंट भी लिए स्टेट बैंक से, किसी को बोलना नहीं। आज से मेरी मम्मी पैदल चर्च नहीं जाएगी, अपन छोड़ने जाएगा टैक्सी में। और गुड लक के लिए पहली सवारी मेरी मम्मी की होनी चाहिए। आजा मम्मी, आ जल्दी आजा, आओ। अरे शंकर, जिंदगी में तूने पहली बार माला के फायदे की बात की जो ये चमड़े का हाथ दूर। कैसी फायदे की बात? अरे नहीं समझा। दारू का माल तेरी टैक्सी में इधर से उधर करने का। अरे भाई ये टैक्सी खाली है क्या? और नहीं तो क्या भाई, शो के वास्ते खड़ी की है। आप जरा सेंटर में हो जाइए, मेरी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ रहा है। कमाल है, ये टैक्सी है या तराजू? कहाँ जाओगे जुहू? और देखो मुझे नया नया समझकर गोल गोल नहीं घुमाना।